सो है गाइस, मैं हूँ गोभी शर्मा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गोभी ठाकुर सैलून। सो गाइस, आज मैं अंडर आर्म सेप यानी क्लीन करने वाला हूँ हेयर रिमूवल क्रीम से। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं इससे करने वाला हूँ। तो आप लोग फुल स्टेप बाय स्टेप देखिए, फुल ट्यूटोरियल के साथ कैसे होता है हेयर रिमूवल क्रीम के साथ अंडर आर्म क्लीन। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे अंडर आर्म में कितना है ग्रोथ हो चुका है, फुल ग्रोथ देख सकते हैं। चलिए आज मैं करने वाले हैं अंडर आर्म क्लीन, देख सकते हैं गाइस। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है हेयर रिमूवल क्रीम, ठीक है। और ये फर्स्ट में इसको लगाया जाता है फर्स्ट स्टेप में, और दूसरा स्टेप में ये सीरम है जो कि वैक्स है, दूसरे में लगाया जाता है जो कि दर्द नहीं होता है सीरम को लगाने से, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए फुल स्टेप के बाद क्लीन होगा कि नहीं होगा आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग बने रहिए इस क्रीम से होता है कि नहीं होता है क्लीन, ठीक है। तो बने रहिए। सो गाइस, ये सीरम जो है अंडर आर्म में अगर खुजली वगैरह हो तो ये लगाया जाता है सीरम को, ठीक है, और खुजली नहीं होता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, आप लोग लगा सकते हैं घर पे ही, ठीक है। तो ये घरेलू उपाय है दोस्तों, घर में ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो हेयर रिमूवर क्रीम से आप लोग अंडर आर्म क्लीन करने वाला हूँ अपना, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये क्रीम लगाने के बाद, हेयर रिमूवल क्रीम लगाने के बाद अगर खुजली, अगर इचिंग प्रॉब्लम, अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो ये सीरम लगाया जाता है, ठीक है। तो स्मूथली के लिए लिखा हुआ है। तो दोस्तों, स्मूथ क्लीनिंग आफ्टर वैक्स की सीरम है जो कि इचिंग खुजली वगैरह अगर होगा ये क्रीम लगाने के बाद, तो आप ये लगा सकते हैं सीरम को, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सो गाइस, क्रीम लग चुका है एक सेट, और देखिए अब इसको रखना है 15 मिनट, ठीक है, उसके बाद क्रीम को हटाना है, ठीक है। तो दोस्तों, एक सेट हो चुका है, दूसरे सेट अब क्रीम लगाएंगे। सो गाइस, इधर भी हो चुका है, अब चलिए इसको 15 मिनट रखना है गाइस। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। सो गाइस, 15 मिनट हो चुका है, अब चलिए अब शुरू करते हैं इसका क्लीन होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में।
तो गाइस देख सकते हैं थोड़ा बहुत क्लीन किया हुआ है, देखिए आगे होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों क्लीन हो रहा है लेकिन छूट नहीं रहा है, तो दोस्तों साफ कपड़ा पोंछ के देखते हैं होता है कि नहीं क्लीन। तो गैस काफ़ी अच्छे तरह से निकल रहा है, अच्छे कपड़े से, साफ कपड़े से देख सकते हैं आप लोग, हेयर रिमूवल क्रीम से। तो गैस देख सकते हैं क्लीन हो चुका है और अच्छे से साफ करने वाले हैं कपड़े से, एक साइड हो चुका है। और चलिए अच्छे से पोछ के दिखाते हैं क्लीन होता है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि क्लीन हुआ कि नहीं हुआ हेयर रिमूवल क्रीम से। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा क्लीन हो चुका है हेयर रिमूवल क्रीम से। तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ पता भी नहीं चला दोस्तों, और क्लीन हो गया एक साइड बिना दर्द का और कुछ नहीं हो रहा, खुजली वगैरह सारा चीज़ पर क्लीन हो चुका है गाइस, देख सकते हैं। चलिए अब दूसरे साइड क्लीन करते हैं दोस्तों। तो गाइस चलिए दूसरे साइड क्लीन करते हैं। तो गाइस क्लीन हो चुका है, अब वाटर से अच्छे से साफ करेंगे इसको। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कि काफ़ी अच्छा है हेयर रिमूवल क्रीम, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा सीरम भी लगा लेंगे ताकि दिक्कत ना हो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ सीरम में,
तो दोस्तों हेयर क्रीम से कुछ दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है। तो सीरम इसके साथ मिलता है, सीरम भी लगा लेंगे इसके साथ। चलिए एक साइड हो चुका है सीरम, अब दूसरे साइड लगा। तो गाइस हो चुका है इधर भी। सो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हेयर रिमूवल क्रीम से अंडर आर्म क्लीन हुआ, आप लोगों को लाइव प्रूफ में दिखाया। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।